क्या के दादाजी, ये देखिए आप बाबा को कहोगी ना ना ना। अभी मैं समझा तुमको श्रेया की दादी इतनी क्यों पसंद है। तुम्हारे हर गलत काम में वो तुम्हारा साथ देती होंगी। बाबा ललिता क्या है ये, शर्म नहीं आती तुमको? देखिए हाँ ना, चुप बैठ। मैं क्या बोलती हूँ? शांत बैठो। अरे क्या, मुझे भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? शर्वरी तुमने जानबूझ के श्रेया की दादी को मना करने के लिए कहा था? शर्वरी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई 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 भाई, क्या दिन आ गए हैं, बेटी बाप को फंसा रही है। शी सच में कलयुग घेरे बाबा। कलयुग नहीं, घोर कलयुग चल रहा है। दूसरों के मजे लेते हुए चिप्स खाए जा रहे। खा खा और ठूस अपने मुंह में, फट जाएगा वो पेट एक दिन, इतना खाती है चिप्स। शर्वरी जी, आपको अपने पापा का ऐसा विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। क्या गलती है उनकी? हाँ आप ऐसा उन्हें कुछ भी बोल के फंसाओगी। हाँ शर्वरी जी, श्रेया की दादी का तो छोड़ दो, पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कहना चाहती है तू? कुछ नहीं, गलत मत समझिए आप। तू जो भी अपने मुंह से बोलती है ना, वो गलत ही होता है, क्योंकि तेरा मुंह ही गलत है। शर्वरी के पापा, मैं ये चाहती हूँ कि आप शर्वरी को थोड़ा सा और टाइम दो, एक दो साल और दो, लग जाएगी उसको जॉब, उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। ना ना, मैंने इसको बहुत टाइम दिया है, अभी मैं इसको और टाइम नहीं दे सकता। अंकल जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप शर्वरी जी को यहीं पे रखिए, मैं उनको जॉब लगाऊंगा। ओ कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी शर्वरी जी की वजह से आपका एक बार जॉब चला गया है, मैं नहीं चाहती दूसरी बार भी चला जाए। चुप बैठ, मैनर्स ले, कहीं पर भी कुछ भी बोल देती है। मैं दूंगा उनको जॉब, आप कोई चिंता मत कीजिए। हाँ मेरा बेटा लगा देगा आपकी बेटी को जॉब। ये देखो मैंने फिक्स कर दिया है, शर्वरी अब मेरे साथ कोलकाता वापस जाएंगे। अरे रुकिए, ऐसा मत कीजिए। बाबा मेरी बात तो सुनिए। शर्वरी मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुनना है। अंकल जी प्लीज शर्वरी को एक और साल यहाँ पे रहने दीजिए, अगर उसको जॉब नहीं लगा ना तो मैं खुद उसको वापस कोलकाता लेके आऊंगा। अभिजीत ये हमारा फैमिली मैटर है, इसके बीच में तुम मत बोलो। क्यों ना बोले बाबा, उसने हमेशा हमारी फैमिली की मदद की है, मेरी मदद की है, उसे बोलने का पूरा अधिकार है। शर्वरी टाइम वेस्ट मत करो और चुपचाप चलो। बाबा प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे बस एक और साल चाहिए बाबा। अगर इस बार मैं जॉब पाने में असफल रहे तो आप मुझे वापस कोलकाता लेके जाना अगले साल, बस मुझे एक साल दीजिए। कितने साल दूं मैं तुम्हें? नहीं बोलो ना, कितने साल चाहिए तुम्हें? अगला एक साल दीजिए। अरे तुम्हारी उम्र ऐसे ही बढ़ती गई तो आगे जाके तुमको लड़का कौन देगा? बढ़ने दो मेरी उम्र, अगर किसी ने मेरे साथ शादी नहीं की तो आप भी जिद करेगा। वो तो आप भी करने के लिए तैयार हो जाए। हाँ ना रे, शर्वरी ने बोल दी मन की बात। बोलो अभिजीत, अगर किसी ने मेरे साथ शादी नहीं की तो क्या तुम करोगे? बड़ी चालू है ये तो। अभिजीत बोल, शर्वरी के लिए रुकेगा? पर कुछ बोल क्यों नहीं रहा, मुंह में क्या दही जम गया क्या इसका? बोलो फुसके। हाँ बोल दे, बोल दे। हाँ ए अभिजीत बोल कुछ, नहीं तो पंछी आके उड़ा के ले जाएगा तेरी चिड़िया को। बोल अभिजीत कुछ तो बोल, वैसे तो बड़ा हाथ खींचता है उसका। अभिजीत ए फुसके, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे। हाँ अभिजीत चुप क्या हो, कुछ तो बोलो। वैसे तो बड़ा भौरों जैसा आगे पीछे करता है, हाँ बोलने में क्या चाहता है? श्रेया की दादी ने बराबर नाम रखा है उसका, फुसका। वो क्यों अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए बर्बाद करेगा, उसकी अपनी लाइफ है, उसको जीने दो। तुम मेरे साथ अभी चुपचाप चलो। ये देखिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ। उरी बाबा एक ही कर था। हाँ बेटा। ओ क्या कर रहे हो? ए प्रवीण प्लीज ऐसा मत कीजिए, शर्वरी जी को यही पैर रखती है। क्या कर रहे हो? जमीन पे कितना अच्छा लगता है वो। उठे श्रेया के पापा, क्या कर रहे हैं? प्रवीण आज देखिए उनके बहुत बड़े सपने, आप नहीं समझ रहे हो, उनको यहीं पे रहने दीजिए। बेटा उठ जा बेटा, ऐसा मत कर। अरे उठो बेटा, उठो यहाँ से बेटा। अरे उठ की है। ए छिपकली, हो गया हो गया।
मैं बोल रही हूँ, मुझे दिख रहा है ये अभिजीत इसके लायक है ही नहीं। क्या बात कर रही हो, शर्वरी बहन के लायक नहीं है? अरे इतना ही चाहता है तो अपने मुंह में दही क्यों जमा के बैठा है? बोल देता बाप को, चाहता हूँ तेरी बेटी को लेके जाऊंगा मेरे घर, पर इसको ही लग रहा है डर। मैं शर्वरी के साथ जो भी कर रहा हूँ वो एकदम सही कर रहा हूँ। हाँ शर्वरी के पापा, आप अपनी बेटी के लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही होगा। कौन सा बाप चाहता है अपनी बेटी का बुरा? वो तो बच्चे है, बच्चे ही नहीं समझते। शर्वरी तुम्हारे पापा बराबर बोल रहे, तुम्हें उनके साथ जाना ही चाहिए, बहुत हो गया तुम्हारा। ये देखिए, पता नहीं मैं कैसे बोलूँ, मुझे बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही क्योंकि ये आपके घर का मामला है। अगर शर्वरी नहीं चाहती है उसकी शादी हो तो आप उसे प्लीज फोर्स मत कीजिए। जोया जी आप तो बोलिए मत, खुद की बहन की शादी तुड़वा दी, अब दोस्त की शादी नहीं होने दे रही। सुमित्रा जी अपनी जबान संभालिए, मेरी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी मत कीजिए आप। शुरू हो गया इसका निजी जिंदगी, काय की निजी जिंदगी, सबको तो बता दी। अब तो इसने हद ही कर दी, दूसरों की फैमिली के ऊपर जा रही है मैनर्स लेस। और आप होती कौन है मेरी फैमिली के बारे में ऐसे बोलने वाली? मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा हस्बैंड ब्रांडेड, सास नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हर। काहे की ब्रांडेड, ना बात करने का तरीका है ना तमीज, जब भी मुंह खोलती हो कुछ ना कुछ गलत ही बोलती हो। कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? जो आता है वो मेरे मुंह के ऊपर ही बोलता है, इतना क्या जलना मेरे मुंह से। अरे हूँ मैं खूबसूरत? नहीं है तो खूबसूरत? आपके जैसी वाहियात औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तो देख लो। बातें कम कीजिए और अपने चिप्स खाइए। मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या करना है? मेरे चिप्स के ऊपर नजर रहती है सबके। अगर आपने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी पूरा इंडिया सुनेगा। मार मार, धमकी किसको देती है? मैं भी दिखाती हूँ फिर। देखो देखो थप्पड़ मारने का बोल रही है मुझे बेशरम। मार मार जोया, जोर से मार, ऐसा आवाज गूंजना चाहिए पूरे घर में। मार ये ले, मार। मारने के लिए तो मार दूंगी पर फिर आप में और मुझ में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। ओ शुरू हो गया संस्कार। हाय के संस्कार, सब पता है तेरे संस्कार, क्या क्या किया है तूने? एक बाप अपनी बेटी का कभी बुरा नहीं सोचेगा, वो जो भी करेंगे उनकी बेटी के लिए सही रहेगा। शर्वरी चलो। रुकिए, मैंने अपने पेट के बच्चों से ज्यादा शर्वरी को प्यार किया है, मैं बस उससे एक बार कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है बोलिए। मिस ब्यूटीफुल, अभी भी टाइम है, हम भाग जाते हैं। ललिता, उन्होंने कहा ना उनका फैमिली मैटर है। पर वो खुश नहीं है, उसका चेहरा देखिए, गुलाब का फूल ऐसा मुरझा गया है। ठीक है, मैं शर्वरी से पूछता हूँ। शर्वरी क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? शर्वरी ना बोल दो ना। बाबा अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं आपके साथ कोलकाता आऊंगी। मिस ब्यूटीफुल तुम सच में जा रही हो? हाँ श्रेया की दादी, मैं कोलकाता जाऊंगी। मिस ब्यूटीफुल फिर से एक बार सोच लो, तुम सच में कोलकाता वापस जाने का सोच रही हो? श्रेया की दादी मुझे मत रोकिए, मैंने अब ठान लिया है मैं बाबा के साथ जाऊंगी। शर्वरी जी, श्रेया के पापा आपने हमेशा ही मेरी मदद की है, मेरी वजह से आपका जॉब गया उसके लिए आई एम अगेन सॉरी। श्रेया की दादी जा, बात मत कर तुम मुझसे, निकल जा। ख्याल रखना सोया, ख्याल रखना। चलो चलो विदाई करते उसकी। चलो चलो।